Crosby. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली देखिए मुझे जो स्टार्ट, मैं भी आप लोगों को थोड़ा स्टार्ट से जी बताता हूँ। मेरे एक छोटा भाई है, उसका नाम है रईस। तो हम लोग जब बर्थडे में कहीं कुछ फोटोग्राफ, और मैंने देखा यार ये बच्चा ज़रा खूबसूरत बच्चा है और इसके लिए कुछ करना चाहिए जी। तो मैं उसका फ़ोटो लेकर अलग अलग जगहों पर लोगों से, जो जो लोगों से पहचान थी कि ये बच्चे का यार कुछ अपना काम हो जाए जी, तो मैं एक्चुअली स्टार्ट किया तो उसकी वजह से जी, कि इसको मुझे फिल्मों में कुछ काम करवाना है, कहीं कुछ ऐड में मिल जाए। और इत्तेफाक से उन्होंने बोला भाई इतना छोटे बच्चे का नहीं, आप करोगे क्या? तो मैं ये मतलब ये समझता हूँ कि ये सिर्फ स्टार्ट में एकदम बिल्कुल किस्मत का ही मामला था। और मुझे लगा ठीक है यार, मेरे पास कोई काम तो अभी फिलहाल है नहीं, मैं कर लेता हूँ। तो मैंने ऐसे काम कर लिया, लेकिन मेरी वो स्ट्रगल जारी रही मेरे भाई के लिए, क्योंकि वो बड़ा खूबसूरत बच्चा था वो, और बहुत मैंने कोशिश की लेकिन उसका हुआ नहीं जी। तो मैंने बोला ठीक है। उस टाइम पे एक आधी और फिल्म मिल गई मुझे, बट मुझे जो है एक्टिंग करनी नहीं होती। अच्छा। हाँ, मुझे हमेशा ये लगता था कि शायद, मुझे लगता है कि जो भी इंसान है उसके अंदर की अगर वो आवाज़ सुने तो वो उसे ज़रूर ये बताती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। क्या बात, वेरी नाइस। और अगर समझो ये आवाज़ नहीं आ रही मुझे क्या करना है, तो कम से कम वो ये ज़रूर जान सकता है अपने अंदर की आवाज़ सुन के कि मुझे ये नहीं करना है जी। तो उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, बट मुझे ये पता था कि हाँ ये एक्टिंग मुझे नहीं करनी जी। तो मैं फिर एक मेरे दोस्त थे, दोस्त क्या, वो तो बहुत बड़ी एज के थे, आई वॉज आई थिंक दैट टाइम 14 or 15। तो मैं साउंड रिकॉर्डिंग में चला गया था जी। तो मैंने कुछ साल डेढ़ साल साउंड रिकॉर्डिंग का काम सीखा, और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार ये भी काम मुझे नहीं करना है जी। फिर मैं चला गया एडिटिंग में, तो फिर मैं एडिटिंग में डेढ़ दो साल काम करता रहा। फिर मुझे लगा नहीं ये भी मुझे नहीं करना। तो लोग मुझे पूछते थे तो मैं करना क्या है, मैंने बोला मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली ये पता है कि ये मुझे नहीं करना। फिर मैं चला गया आर्ट डिपार्टमेंट में जी। मैंने सेट पिक की लेवल भी मारे, शूटिंग देखता रहता था जी। सब करता, लेकिन जब मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं शूटिंग देखता था तो मैं खो जाता था, और मुझे थोड़ी गाली वाली भी पड़ती थी कि यार ये काम है तुम्हारा, वो काम नहीं है। तो मुझे लगा कि नहीं ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सब, ये डायरेक्शन, ये राइटिंग जो चल रही है। एंड फिर धीरे धीरे जो है मैंने उसकी तरफ वो किया। और एक बार जब मैं राज साहब के साथ फिल्मों में काम करना शुरू किया, प्रेम रोग, मैंने उनके साथ 4 साल काम किया, 2-2.5 साल हम लोगों ने स्क्रिप्ट पे काम किया, और 1.5 साल 2 साल जो फिल्म की मेकिंग पे। उस वक्त I was 16, तो मेरे जहन में ये समझ में आ गया था कि मुझे क्या बनना है। तो मैंने उस ज़माने में ये 79-78 की बात होगी, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर बनना है। मुझे लगता है कि क्या है, जो भी काम आप कर रहे हो ज़िंदगी में अगर उसको आप इंजॉय करना शुरू करें जी, और आपका पैशन हो और आप उससे बोर नहीं हो, आपको लगे नहीं कुछ कर रहा है मुझे, तो शायद मुझे लगता है कि पूरा कुदरत भी जो है वो साथ देती है आपका। जैसे फॉर एग्जांपल वेलकम में एक सीन था जिसमें कहानी तो पता है, सीन पता है कि एक डॉन है उसको शूटिंग करवानी है फर्स्ट डे, तो क्या करेगा शूटिंग तो या आई वॉज इन लोनावला, तो लोनावला में मेरा घर है, तो वहाँ बैठा हुआ था मैं आके रात को 3-3:30 बजे झूले पर, और मेरे साथ मेरी एक टीम थी राइटर्स की, वो 11-12 बजे थक गए, बोले भाई सो जाते हैं कि ये तो पागल आदमी पता नहीं कब तक जागेगा। तो मैं सोच रहा था कि यार शूटिंग अगर एक डॉन से करवा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, और सोच रहा था रात को 3 बजे करीबन मुझे थॉट आया कि इससे काम करते हैं, ये सूट बूट पहना हुआ है और वो गाड़ी लेके जा रहा है और वो बोल रहा है कि भाई आलू ले ले। तो अब वो नेक्स्ट डे मैंने जब सारे लोगों को बताया कि ऐसा सीन होना चाहिए,
तो वो जो मैंने पहली मतलब जब बताया तो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, लेकिन वो यार अजीब है, ये अजीब सीन है। तो अब ये डिस्कशन हुआ कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई वो इतना बड़ा डॉन है कि उसको समझ में नहीं आएगा कि मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं यार, जहाँ कॉमेडी है वहाँ बहुत ज़्यादा लॉजिक की ज़रूरत है, बिकॉज पीपल वॉन्ट्स टू लाफ, उसको हंसना है। और आप बाकी जो लोग हैं उनको आप कितना कन्विक्शन से वो उनको बोल रहे हैं, वो जो फिल्म के अंदर डायरेक्टर है राज, क्या नाम, विजय राज, वो कैसे बात कर रहा है, असिस्टेंट जो बने हुए हैं वो कैसे बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, और भोला आदमी है, वो डॉन है भले से, बेचारा वो किसी ज़माने में एक्टर बनना चाहता था और वो गैंगस्टर बन गया है। तो वो गैंगस्टर बन गया है तो भी वो बहुत बुरा इंसान नहीं है, इसलिए कि अगर एक इंसान एक्टर बनना चाहता है तो कहीं उसके दिल के अंदर अच्छाई तो होती है, तो अच्छा इंसान है बेसिकली। तो मैंने बोला नहीं ऐसे करते हैं। तो फिर ये हुआ कि अच्छा ये आलू ले लो, कांदे ले लो, कैसे बोलेंगे। तो वो सोचता रहा मैं कि क्या है क्या नहीं। फिर जिस दिन मैंने शूटिंग स्टार्ट की तो मैंने नाना जी इज़ अ ग्रेट एक्टर एंड ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे लगता है कि आई वाज सो लकी कि उनके साथ 2-3 पिक्चरें मैंने की एंड बहुत मुझे मज़ा आया। तो उनके साथ ट्यूनिंग भी मेरी बहुत अच्छी हुई थी पहले दिन से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब मैंने उनको वेलकम की कहानी सुनाने गया। तो एक छोटा सा किस्सा है कि मुझे बोलने लगे कि मुझे कहानी सुनने नहीं आनी, तुम अपनी माँ की कसम खाओ कि मुझे ये पिक्चर करनी चाहिए, मेरे लिए अच्छी है। तो वो थे इस तरह के, तो मैंने बोला नहीं मैं आपको सुना देता हूँ पूरी कहानी। तो मैंने उनको 3 घंटा पूरी बैठ के कंप्लीट कहानी सुनाई। बोले कितना देर लगाएगा, मैंने बोला मैं आपको ये कहानी 3 मिनट में सुना सकता हूँ, मैं आपको ये 30 मिनट में सुना सकता हूँ, ये मैं 3 घंटे में सुना सकता हूँ। तो बोलते मेरे पास तो कोई काम है नहीं, अनिल मैं बैठा हूँ, चल तू 3 घंटे में सुनाओ। तो मैंने उनको 3 घंटे में कहानी सुनाई। कहानी सुनकर वो खड़े हुए, मेरे गले लगे, बोले देख अनिल मैं कच्ची मिट्टी है, मैं तेरे सेट पे आ जाएगा, मुझे जिस रूप में ढालना है तू ढाल देगा। क्या बात, क्या बात। तो वो दिन था और पूरी फिल्म हम लोगों ने बनाई। मुझे आप यकीन मानिए कि रत्ती भर भी उनकी तरफ से ना कभी कोई शिकायत, ना कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं, पूरे सरेंडर होकर। क्योंकि एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये उससे पता लगे कि ये किसके साथ काम कर रहा है, और जो आदमी डायरेक्टर है इसे इस फिल्म के बारे में क्या मुझसे ज़्यादा पता है या नहीं पता है। क्या करेक्ट। तो जब एक्टर को ये एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि नहीं नहीं ये कहानी जो है हम सबसे ज़्यादा इस आदमी को पता है, तो वो एक थोड़ा आसानी हो जाती है। तो उनके साथ काम किया, बहुत मज़ा आया। तो तेरा ये तो मैं कहाँ से शुरू हुआ था, मैं भूल गया, क्या बात कर रहा था। आलू ले लो। तो फिर मैंने उनको बोला कि सर ये सीन है, इसमें आपको बोलना आलू ले लो, कांदे ले लो। तो इतने बड़े एक्टर हैं, लेकिन देखिए एक्टर जो होता है वो कितना, बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत समझदार, समझते हैं बात को। तो उन्होंने मुझे बोला कैसा बोलने का। सर मैंने बोला कि कैसे बोलना सर, अभी क्या बात करें आप। नहीं नहीं तू कुछ सोचा होगा ना। मैंने बोला सर मैंने कुछ नहीं सोचा, आप करिए। तो उन्होंने अपने हिसाब से किया पहला टेक, क्योंकि मैं ऐसा एज ए डायरेक्टर समझता हूँ कि मैं अपने एक्टर को बहुत मानना नहीं चाहता जी। मैं एक्टर को बिगनिंग में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता कि वो सिर्फ ये सोचे कि मैं, क्योंकि मैंने उनको लिया है एक्टर, उनका अपना जहन है, उनकी अपनी समझ है, उनका अपना होमवर्क है उस कैरेक्टर के लिए, फिल्म के लिए। तो उनका आउटपुट जो है वो चाहिए मुझे कि उन वो क्या देना चाहते हैं मुझे, देन आई कैन गाइड कि नहीं सर ये नहीं, ये थोड़ा ऐसा 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 ऐसा। तो मैंने उनको बोला नहीं सर आप करिए। तो उन्होंने किया। फिर मैंने बोला कि सर ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने कुछ सोचा है। हाँ मैं तुमको पहले ही बोला था, तूने कुछ सोचा है। मैंने बोला सर ये क्या है, बड़ा फनी सा होना चाहिए कि सिंपल नहीं है वो कि आलू ले लो, उसको ऐसा बोलना चाहिए कि आलू ले लो, कांदा ले लो। तो ऐसे बोला अच्छा है। फिर उन्होंने किया। तो ये जो सीन्स हैं मुझे लगता है कि ये बहुत वियर्ड सीन्स हैं, एंड आप जब अगर एक नॉर्मल थिंकिंग में बैठ के सोचेंगे तो शायद ये चीज़ें नहीं सोच सकते, लेकिन चूंकि जो राइटर्स होते हैं वो थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स भी सोचते हैं एंड इमेजिनेशन उनका कहीं पर भी जा सकता है। तो मुझे लगता है कि एक पैशन हो इंसान में, एक मेहनत उसकी हो, एक लगन हो कुछ अच्छा करने की, और वो मेहनत से नहीं डरे, वो ये नहीं देखे यार कि रात का 2 बजे 3 बजे 4 बजे मुझे करना है, मुझे करना है और उसको अगर नींद आ रही है आ रही है तो शायद मुझे लगता है कि उसकी मेहनत में कमी है या उसकी लगन में कमी है। मुझे कभी नहीं आई। मैं जो शूटिंग आज भी करता हूँ फिल्मों की आउटडोर में, अभी जैसे मैं लंदन में था तो आई हार्डली स्लीप फॉर 2 आवर्स
बहुत ज़्यादा अगर अच्छा दिन रहा तो 2.5-3 घंटा, बट मैं बाकी 18 घंटे जागता हूँ, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मुझे सब अच्छा भी रहता। बॉम्बे में आके भले से मैं जितना सोना है, क्योंकि उस टाइम पे काम नहीं है, शूटिंग नहीं है, तो वो मुझे लगता है काम के प्रति आपकी कितनी ईमानदारी क्या है। तो अगर वो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि वो काम के लिए आपका पैशन क्या है, अगर वो होगा तो सब। इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये 3 महीने में जो आपने सीखा है उसको जहन में रखें कि आपने एक अपनी ज़िंदगी का 3 महीना बहुत ईमानदारी और मेहनत से इस चीज़ पे गुजारा है। आप ये मान के चलिए कि भाई बाहर निकलते ही पूरी दुनिया ऐसे बाहें फैलाकर आपको गले लगाने के लिए तैयार नहीं है, वो ये देखना चाहेगी कि भाई आप में क्या काबिलियत है, क्या वर्थ है। इसलिए कि जो फिल्में आज हमारी बनती है उसका इतना बड़ा बजट होता है कि कई प्रोड्यूसर जो है वो अपने बच्चों के साथ भी पिक्चर नहीं बनाते हैं, तो वो कोई आपको चांस देने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल लाइन है, कंपटीशन बहुत है, बट मुझे पूरा यकीन है कि जिस लोगों में वो एक आग होती है वो वहाँ तक पहुँचते हैं। और बहुत इसकी मिसालें हैं कि आज दिल्ली जैसी जगह से शाहरुख खान साहब जो है वो यहाँ आते हैं और आज जिस मकाम पे वो बैठे हैं, तो वो एक मिसाल है लोगों के लिए कि भाई आदमी को अपने एक टैलेंट पे, अपनी मेहनत पे, अपने पैशन पे, अपनी इस पर पूरा विश्वास होना चाहिए और एक गोल होना चाहिए कि मुझे ये ज़िंदगी में करना है और उसको कैसे करना है। उसके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो पूरी 2-3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, एक वो ईमानदारी, एक पैशन, एक मेहनत और सूझबूझ कि मुझे क्या करना है। और ये कभी भी कुछ भी हो जाए, हिम्मत नहीं हारनी है कि कभी कुछ रहूँगा अरे अरे क्या हो गया, मेरा क्या होगा, अरे क्या। जब जब मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि मुझे कई मरतबा ऐसा लगा कि यार मेरा कुछ नहीं हुआ। इसलिए कि एक बार तो मुझे, मैं नाम नहीं बताऊँगा, मैं कहीं असिस्टेंट था, वहाँ पे बहुत कम पगार थी और मैं जहाँ रहता था वहाँ से उस जगह जाने का और रोज़ आने का वो पैसे जो है वो पूरे ख़त्म हो जाते थे, मतलब जो पैसे पगार मिलती थी, तो जेब से मतलब अगर चाय पीनी है तो पी नहीं सकते थे। तो साल, 1.5 साल, 2 साल जो है, सुबह मैं 6-7 बजे घर से निकलता था नाश्ता करके और फिर रात को जब 1 बजे आता था तो मैं खाना खाता था। तो बीच में कई बार थोड़ा चक्कर भी आता था भूख के मारे, इसीलिए मैंने डायलॉग लिखा था उसमें, क्या नाम, आँखें में, कि ये दोनों भूखे हैं, बहुत अमीर लोग हैं अपना गोविंदा और चंकी और जा रहे हैं, तो वो भाई से पूछता है कि भाई ये रास्ता घूम रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा है। तो वो बोलता है भाई भूखा रहना जो है वो खाने का काम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार किस लाइन में हम लोग, क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये भूखे हमारे किसी दिन बेहोश हो गए, मर गए। लेकिन फिर मैंने रास्ते सब सोचने शुरू किए, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैंने एक सपना बनाया था, मुझे ये करना है और यही करना और कुछ नहीं करना है। तो मेरा आप लोग मुझे यहाँ कर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा और कहीं ना कहीं मैं इन सारे बच्चों में मुझे अपनी जवानी जो है याद आ गई। आज से 30-40 साल पहले जब मैं इनकी एज का था, तो यही जोश, यही जज्बा, यही डर, यही सब चीज़ मेरे में थी और आज सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बच्चे जो हैं मुझे बहुत ही अच्छे लगे, इन्होंने जो सवाल किए वो बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे और मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही खुशी हुई, बहुत मज़ा आया, मेरे लिए बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप पूरे अपने आप में कन्विक्शन रखिए, अपने टैलेंट के बढ़ाने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हो करिए। आपको दुनिया की कोई ताकत जहाँ आप सोच रहे हैं जाने से रोक नहीं सकती, इसलिए कि आज आपके पास इतने सारे मीडियम हैं। आप एड फिल्म बना सकते हैं, आप वेब सीरीज बना सकते हैं, आप टीवी सीरियल बना सकते हैं, आप फिल्में बना सकते हैं। तो मुझे लगता है काम बहुत है, काम करने वाले कम हैं, तो वैसे बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर आपको काम आता है, आपको आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आपने पूरी मेहनत की है, आपका पैशन है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता।